अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल हरबो हेल्थ में। आज मैं आपको बताऊंगा कामिनी विद्रावण रस के बारे में। देखिए, कामिनी विद्रावण रस, ये दवा आपको अलग अलग कंपनी में मिल जाएगी। मेरे पास जो इस वक्त है ये है हमदर्द की। इसमें आती है टेबलेट, 40 टेबलेट आती है इसके अंदर, और एक टेबलेट आपको लेनी होती है रात को दूध के साथ में सोने से पहले। अब देखिए, इसका नाम है कामिनी विद्रावण रस। कामिनी से यहाँ पे मतलब क्या है? कामिनी से मतलब यहाँ पर है नारी से, औरत से, स्त्री से। विद्रावण का मतलब होता है पिघलना, बहना, रसकलित होना, ये अलग अलग इसके पर्यायवाची हैं। अब आप क्या समझे कि ये दवा किस काम आती है? देखिए, इसका सार ये है, मैं कहना चाहता हूँ कि ये दवा इस्तेमाल की जाती है कि आपकी पत्नी को आपसे पहले डिस्चार्ज करने में। कैसे? कि जब आपकी टाइमिंग बढ़ जाएगी तो आपकी पत्नी आपसे पहले ही डिस्चार्ज हो जाएगी, जाहिर सी बात है। यानी कि वो लोग जिनको समस्या ये है कि उनको टाइमिंग की बहुत कमी है, वो सही से टाइमिंग उनकी नहीं है, शील पतन की समस्या है, लिंग में अच्छे से तनाव नहीं आता है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी दवा है कामिनी विद्रावण रस। क्या आप छोटे लिंग की समस्या से परेशान हैं? लिंग का साइज कम है, लिंग छोटा है, पतला है, टेढ़ा है, और जिसकी वजह से आप अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने अंदर हीन भावना से ग्रस्त हैं, तो आपके लिए है ये ड्रैगन कॉन्डम, जिसके पहनने से आपके लिंग की लंबाई बढ़ेगी, मोटाई बढ़ेगी, लिंग को सुडोल बनाएगा और देखने में लिंग आपका आकर्षक लगेगा। नाम है इसका ड्रैगन कॉन्डम। इसको आप हमारे यहाँ से मंगाइए, दिए गए नंबर पर कॉल करिए और ड्रैगन कॉन्डम का आप भरपूर फायदा उठाइए। अब देखिए, किसी भी स्त्री के लिए, आपकी पत्नी के लिए, 3 सह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 3 सह कौन कौन से हैं? संभोग की क्रिया में, संबंध बनाने की क्रिया में, यानी रिलेशनशिप के लिए 3 सह बहुत उपयोगी हैं, बहुत महत्व रखते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 है स्नेह, यानी कि प्रेम। दूसरा है सहमति, यानी कि मर्जी। तीसरा है समय, यानी कि आपकी टाइमिंग, संभोग करने की आपकी टाइमिंग। 3 सह बता रहा हूं मैं आपको, वीडियो बहुत अच्छी है, आप आराम से समझिएगा, बड़े आराम से आपको बात समझ में आएगी, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। फिर बता रहा हूं, अपनी पत्नी को संतुष्ट करने के लिए आपको इन 3 सह पे अमल करना होगा, तब आपका जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये 3 सह होकर के ही 4th सह बनेगा, इसको हम कहेंगे संतुष्टि। तो 3 सह कौन कौन से हैं? नंबर 1 स्नेह, नंबर 2 सहमति, नंबर 3 समय, और इन 3 सह को मिलाकर के क्या बनेगा? संतुष्टि। संतुष्टि आपकी भी और आपकी पत्नी की। अब पहला सह क्या है? स्नेह। स्नेह यानी कि प्रेम। आप अपनी बीवी से अच्छे से व्यवहार करें, ख्याल रखें, हर तरह से अपनी पत्नी का ख्याल रखें, प्रेम करें, तो ये क्या होगा? स्नेह। जब आप अपनी पत्नी से स्नेह करेंगे, प्रेम करेंगे, तो आपकी पत्नी का भी आपके प्रति स्नेह होगा, प्रेम बढ़ेगा, और जो आपका वैवाहिक संबंध है वो मधुर होंगे। फिर दूसरा क्या है? सहमति। अब सहमति का मतलब यहाँ पे क्या है? अब देखिए, सहमति का मतलब ये है कि आपकी पत्नी आपसे प्रेम तो करती है और आप भी अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, लेकिन आप संभोग करना चाहते हैं और आपकी पत्नी की सहमति नहीं है, तो आप जबरदस्ती ना करें। हो सकता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल का वक्त हो और आप जबरदस्ती करें, तो उससे क्या होगा कि फिर आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें कड़वाहट आएगी। तो सहमति होना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आपका मन है संभोग करने का और पत्नी का संभोग करने का मन नहीं है, तो आप ऐसी कंडीशन में भी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। तीसरी कंडीशन होती है समय। समय का मतलब ये है कि पत्नी आपसे स्नेह भी करती है, यानी कि प्यार भी करती है, आप भी करते हैं, प्रेम करते हैं अपनी पत्नी से। दूसरा, पत्नी की भी सहमति है, आपकी भी है, लेकिन तीसरी जो बड़ी समस्या है वो क्या है, जो कि बीमारी है, वो किसमें है? वो पुरुषों में पाई जाती है, जिसको कहते हैं शीघ्र पतन, यानी कि समय की कमी होना, वीर्य का जल्दी निकल जाना। इस अवस्था में भी आप अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाते। तो 3 सह का होना बहुत जरूरी है। नंबर 1 स्नेह, नंबर 2 सहमति और नंबर 3 समय। ये तीनों आपके पास होने जरूरी हैं, तभी आप अपने आप को भी संतुष्ट कर पाएंगे और अपनी पत्नी को भी संतुष्ट कर पाएंगे। अब देखिए, 2 तरह के जो हैं सह, उन पे तो आप कंट्रोल कर लेंगे, वो आपके अपनी विल पावर से हैं। इसने अपनी पत्नी से प्रेम करिए, सहमति, पत्नी की सहमति होना जरूरी है, और तीसरा समय। समय के लिए आप इस्तेमाल करिए ये कामिनी विद्रावण रस। इससे जब इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपकी टाइमिंग बढ़ेगी। अब देखिए, टाइमिंग की बात यहाँ पर हो रही है, शीघ्र पतन की बात हो रही है, तो शीघ्र पतन भी कई लोगों को अलग अलग तरह से होता है। किसी को समस्या ये होती है कि उनकी जो प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है? माइल्ड होती है, हल्की फुल्की समस्या होती है। किसी को क्या होता है? स्टैंडर्ड प्रॉब्लम होती है कि चलिए ठीक है, प्रॉब्लम है बट ज्यादा नहीं है।
फिर होती है सीवियर प्रॉब्लम, यानी कि बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है कि वीर्य बहुत जल्दी निकल जा रहा है, टाइमिंग बहुत कम है, सही तरह से संभोग नहीं कर पा रहे हैं, संभोग करते समय संभोग करने से पहले ही वीर्य जो है 1 मिनट से पहले निकल जा रहा है। तो ये जो कंडीशन होती है ये होती है प्री मैच्योर एजुकेशन की सीवियर कंडीशन होती है। इसमें मेडिसिन है, ट्रीटमेंट है, पूरा ट्रीटमेंट ले सकते हैं आप। ये भी जो मैं बता रहा हूँ ये भी ट्रीटमेंट का पार्ट है, जिसका नाम है कामिनी विद्यावन रस। इसमें जो जड़ी बूटियां डाली गई हैं बहुत खास जड़ी बूटियां हैं, अकरकरा है इसके अंदर, जावित्री है, जायफल है, लौंग है, सौंठ है इसके अंदर, चंदन है इसके अंदर, जो मन को शांत करती है, जिससे आपको रिलैक्स फील होता है, अफ्यून है, शुद्ध गंधक है इसके अंदर। तो इस तरह से इसमें जड़ी बूटियां डाली गई हैं, जिसका इस्तेमाल करके ये दवा बनाई गई है, और ये दवा आती है टेबलेट की फॉर्म में आती है। 40 गोलियां हैं इस दवा के अंदर, ये अलग अलग कंपनी की आपको मिल जाएगी। मेरे पास जो है इस वक्त हमदर्द कंपनी की दवा है ये। तो दोस्तों ये वो तरीका है जिसका इस्तेमाल करके आप जो तीसरा सह है यानी कि समय है उसमें आप अपने आप को काबू कर सकते हैं, अपनी जो समस्या है टाइमिंग की उसको आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ कि ये एक ट्रीटमेंट का हिस्सा होगा। अगर आपकी परेशानी ज्यादा बड़ी है तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप कंप्लीट ट्रीटमेंट करिए और अपनी जो टाइमिंग की समस्या है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या है, उसको परमानेंटली ठीक करिए। तो दोस्तों ये था मेरा आज का रिव्यू, जिसके अंदर मैंने बात करी आपसे कामिनी विद्यावन रस को लेकर के। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, इतने वीडियो के साथ में मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।